फ्रेंड्स स्वागत है एक नई वीडियो में। इसके अलावा कि डेवलपर ऑप्शन किस प्रकार से सेट करते हैं बताएंगे। फ्रेंड्स मेरे पास है रेडमी का फ़ोन है। फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं। उसके लिए आपको सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, तब आपको यहाँ दिखता है एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन, आप उस पर क्लिक कर देंगे। और इसके बाद आपको यहाँ पर दिख जाता है डेवलपर ऑप्शन, आप उस पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से ऑफ होता है ये ऑफ, तो आप यहाँ पर कुछ काम नहीं कर सकते। और इस तरीके से ऑन होता है एंड ओके पे क्लिक कर देंगे और आपका ऑन हो जाता है, देख सकते हैं। एंड अगर ऑन में बैक करते थे यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन दिख रहा है, एंड अगर मैं ऑफ में बैक करती हूँ तो फ्रेंड्स जो डेवलपर ऑप्शन है आपको नहीं दिखेगा। अभी भी दिख रहा है क्योंकि देख सकते हैं मैं ऑफ कर अभी ऑन करके फिर पूरा बैक करती हूँ। एड्रेस सेटिंग से ही आपको पूरा बैक करेंगे, तब आपको दोबारा से एड्रेस सेटिंग पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ देख सकते हैं अभी भी डेवलपर ऑप्शन है, तो फ्रेंड्स आप उस पर क्लिक करके मैं ऑफ करके उसे पूरा बैक कर देती हूँ। एड्रेस सेटिंग से भी बैक करती हूँ, फिर दोबारा एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करते हैं। उसके बाद फिर से डेवलपर ऑप्शन जा चुका, देख सकते हैं अब ये हट गया है। तो फ्रेंड्स वापस सेट करने के लिए आपको अबाउट फोन भी क्लिक करना है, मतलब कि रेडमी की अबाउट फोन भी क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको म्यूट वर्जन दिखता है, उस पर 3-4 इस तरीके से क्लिक करते रहेंगे। और उसके बाद आपका ये डेवलपर ऑप्शन सेट हो चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ जाएगा यू आर नाउ डेवलपर ऑप्शन, एंड इसके बाद आपको एडिशनल सेटिंग पे क्लिक कर देना है और आपको यहाँ दिख जाएगा डेवलपर ऑप्शन। तो इस पर क्लिक करके यहाँ से सेट कर सकते हैं। इस तरीके से ऑफ होता है, इस तरीके से ऑन होता है। एंड आई होप आपको समझ में कि किस प्रकार से डेवलपर ऑप्शन को सेट करते हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स तब तक नमस्कार।